बादल सबके उड़ते हैं, जबां के तो सबसे उड़ते हैं कबूतर, जबां से तो सबके उड़ते हैं कबूतर, मगर जो कागज पर लिख करके, जो कागज का सीना चीर करके आए लिख करके, सबसे बुलंद वही कबूतर बाज होता है। यकीनन यकीनन हम इस वक्त जो सबसे बेहतरीन कबूतरबाजी का टूर्नामेंट हमने देखा है। फूलपुर से और निजामबाद के हमारे पूर्व चेयरमैन अलाउद्दीन साहब के हाथ में, और सेकंड बोलू भाई हां सेकंड इनाम नवले जाए। अरे मलवा अकरम भाई, अरे मलवा यार, रख दे बस बोल 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 माला पहना करके स्वागत करते हैं। ओके पूछा जाए गाड़ी जाए बहुत बड़ा हो जा अच्छे से हमारी स्वागत कर भाई। हेलो ठीक है बस हाँ अच्छा परिचय दीजिए, अपना परिचय अपना बताइए। जान मोहम्मद फूलपुर से जो यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह बहुत अच्छा था, जो कबूतर के हिसाब से हुआ है। आपने पहला इनाम जीता, कैसा लगा आपको? जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि भाई सबके सब जितने हैं सब कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा उड़ा सकें और अच्छा खेल खेलें। कमेटी के जो प्रोग्राम हुआ उससे आप खुश हैं? बहुत बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट है, बहुत अच्छा लगा। जैसे प्रोग्राम हुआ मैं चाहता हूँ कि ऐसे हर साल हो ताकि और मज़ा भी आए इसमें। और कुछ कबूतरों के बारे में बताएँ? कबूतरों के बारे में क्या बताएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कबूतर रखें आप और कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा उड़ा सकें। सेकेंड इनाम आपका आया है नसरुद्दीन भाई, आप बताइए कुछ कबूतरों के बारे में। माशाल्लाह कबूतर सबसे बड़े अच्छे उड़े, हम चाहते हैं कि इससे अच्छा लोग उड़ाए कबूतर, और तुमने जितने लोग कबूतर उड़ाए माशाल्लाह सबके अच्छे उड़े, अब तो कबूतर ही उड़ता है, हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे। जितने अच्छे कबूतर रखेंगे अच्छे दाना खिलाते हैं, हम चाहते हैं अच्छे कबूतर रखे जाए और अच्छा उड़ाए जाए। किस तरीके कबूतर उड़े इसके आजकल तो बहुत ज़्यादा नाम मद्रासियों का है। देसी कबूतरों में सैनिक कबूतर होते हैं, सितारे होते हैं, फुलचरे होते हैं, इनकी उड़ान काफ़ी अच्छी होती है, मजबूत भी होते हैं। वसीम भाई आप आयोजक हैं, आप बताइए आपको किस तरीके से ख्याल आया कि ये रखा जाए टूर्नामेंट? ये प्रोग्राम काफ़ी दिनों से सोच विचार के बाद ये प्रोग्राम रखा गया जीएनपुर की सरजमी पर, जो देसी कबूतरों का ये प्रोग्राम था, और प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से बहुत ही अच्छा हुआ और कामयाब हुआ, जिसमें ये इनाम आपके आप सभी लोगों के सामने है। और मैं यही कहूँगा कि आगे भी जो है जो प्रोग्राम हो रहा है कबूतरबाजी का, सलामती के साथ और ईमानदारी के साथ होता रहे और सभी लोग सभी छोटे बड़े लोगों का शौक बढ़ता रहे।